मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं क्या? नंदिनी, तुम खुद ही बोलती रहोगी या मुझे बात करने का मौका दोगी? आप चाहते क्या है? आप मुझे जख्म देते रहेंगे और मैं आपको माफ करती रहूंगी? कभी नहीं होगा ये। और दूसरी बात, मैं आपको इससे पहले भी कह चुकी हूँ और आज फिर कह रही हूँ, आपसे बात करना भी मैं अपना इंसल्ट समझती हूँ। I don't wish to talk to you. आपके नर्सिंग होम में काम करती हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ आना पड़ता है। आपका और मेरा सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दोबारा मुझे फोन करने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम खुद को समझती क्यों नहीं? तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा तुमसे दोस्ती कर सकूं? हरगिज़ नहीं। नंदिनी, मैं सिर्फ हमारे बीच की गलतफहमियों को और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई गलतफहमी नहीं है। There is no confusion at all. आप कितने दोगले और कितने गिरे हुए इंसान हैं, ये पिछले 8 वर्षों में मैं अच्छी तरह से जान गई। सिवाय नफरत के और कोई फीलिंग नहीं है आपके लिए मेरे दिल में। Go to hell. How are you? आपने तो मुझे पहचान लिया। पापा से बात कराइए ना। तुम्हारे डैडी तो इस वक्त यहाँ नहीं है, उन्हें गए हुए काफी देर हो गई। ओके, थैंक यू। पापा तो वहाँ नहीं है, अब क्या करूँ? आप यहाँ आइए और खाना खाइए। ओके? नहीं। क्यों नहीं? पापा आएंगे तो उनके साथ खाऊंगी। नीति, बहुत देर हो चुकी, आके खाना खा लो। तो मैंने बोला ना, पापा आएंगे तो उनके साथ ही खाऊंगी। नीति, अक्षय कहीं जाने वाले थे क्या आज? पता नहीं माँ, आने से पहले तो कैबिन में गई थी, तो कह रहे थे थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर पता नहीं। अब कहाँ है? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, एक बार फोन करके। अरे विजया दीदी, आप मुझे फोन करें, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मेरे तो भाग खुल गए। कौन बोल रहा है? आपका बहनोई, ब्रदर इन लॉ, जिसे प्यार से आप लोग रतन कहते हैं। सॉरी, मैं कोई और समझी। होता है, होता है, समझने में हेराफेरी हो जाती है। किसका फोन है? रतन का। इतनी रात को क्यों फोन किया? ना, आपको थैंक यू कहने, धन्यवाद कहने के लिए फोन किया। किस लिए? हम गरीब बेचारों पर दया करनी चाहिए, ये सोचकर बड़े साहब ने अभय को कैफे चलाने का कॉन्ट्रैक्ट जो दे दिया और मुझे आउट कर दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। फिर भी मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ आपको थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना। मुझे ऐसे ताने देकर बात मत करो रतन, ये फैसला अक्षय का है और अक्षय का फैसला कभी गलत नहीं होता, समझे तुम? करेक्ट है विजया दीदी। अरे यही तो होती है बड़े लोगों के बड़प्पन की निशानियां। रतन, मैं फोन बंद कर रही हूँ। अरे अरे विजया दीदी, फोन मत काटिए, आपकी बहन बगल में ही बैठी है, उनसे बात नहीं करेंगे आप? अरे जब से आपके यहाँ से आई है, आप दोनों कितने महान है, इसी का बखान किए जा रही है। कोई आने वाला था क्या? नहीं तो? मैं देखती हूँ। क्यों आए हो यहाँ? Get lost. कौन था? I don't know. मुझे नहीं पता। तो तुमने पूछा नहीं? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम वो कौन था। गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो ये पूछ रहा था। ये देखो, फिर बेल बजी।
क्या प्रॉब्लम है? दरवाजा क्यों पीट रहे हो भाई? I'm really sorry. तुम मुझसे हमेशा कहते हो कि जिंदगी से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो मिस्टर इरफान, मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जब अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिले, तब इंसान को जो खुशी मिलती है ना, वो मिली है मुझे आज। अरे भाई, किसकी शामत आ गई आज? उसका नाम है मुझे ना तो किसी से दोस्ती करने का शौक है और ना ही झगड़ा करने का। लोग क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते? क्यों क्यों मेरे पीछे पड़े हुए? दरवाजा क्यों पीट रहे हो भाई? Really sorry. मैं उसे नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। तुम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज जाओ यहाँ से। अक्षय, आप कहाँ चले गए थे? कितनी फिक्र हो रही थी आपकी। I'm sorry. हाँ, पर आप गए कहाँ थे? आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नीति ने नर्सिंग होम फोन किया तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि आप काफी देर पहले वहां से निकल गए थे। कहीं जाना था तो आप मुझे बता देते अक्षय। ऐसा कौन सा जरूरी काम था मुझसे जिसकी वजह से मुझे मोबाइल पर नर्सिंग होम में फोन करना पड़ा? आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? पहले कभी आप बिना बताए नहीं गए हैं और घर आने में भी आपको कभी देरी नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे। अरे आई एम सॉरी विजया, बोल तो दिया मैंने, अब आगे क्या करूं मैं? क्या करूं बोलो तो। ये लो, खा लो। मुझसे नहीं खाया जाएगा। क्यों नहीं खाया जाएगा? मेरा दिल नहीं कर रहा इरफान। नंदिनी, इंसान का जो ये दिल होता है ना, ये हमेशा गलत फैसले करता है। दिमाग कहता है कि भूख लगी है, खा लो, लेकिन दिल अपनी जिद पे अड़ा रहता है। सच कहूं तो अगर इंसान के सीने में दिल ना होता ना, तो इस दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम ना होती। एक निवाला खा लो मेरे हाथ से। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। अगर कोई परेशानी है तो मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे आप? कोई परेशानी नहीं है मुझे विजया। तो फिर क्या है अक्षय? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं आप बात करते एकदम से चुप हो जाते हैं। मैं कोई बात करूं तो उस बात को ही टाल देते हैं। आपके मन की बात जानने का इतना सा भी अधिकार नहीं है मेरा। ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हें सारे अधिकार हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप भी कमाल करती हैं नंदिनी जी। सुबह सुबह वॉक के लिए आ रही थी तो हमें भी बता देते, हम भी आ जाते। वैसे भी किसी ने कहा है ना कि वॉक के बहुत सारे फायदे होते हैं,
देखिए, एक तो इससे सेहत अच्छी रहती है, दूसरा इससे पूरा दिन बढ़िया जाता है, और तीसरा विजय जरा जाके नीति को तो देखो उठी है नहीं, कल रात बहुत लेट सोई है वो। हाँ माँ। और हाँ, अक्षय कल रात कितने बजे आया? काफी देर से आए थे, 1 बज रहा था उस वक्त। 1 बजे? इतनी देर तक कहाँ था वो? पता नहीं। तुमने पूछा नहीं? पूछा था। तो उसने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं, मैं अभी आई। विजय 1 सेकेंड। जी। अक्षय ने कुछ कहा नहीं और तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की? प्रिंसेस, आपको आपकी मम्मी ने बताया? किस बारे में? यही कि हमने कल डिसाइड किया था कि आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएं, उसके बाद हम आपको वेकेशन पर लेकर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो तुम डिसाइड करो। इंटरनेट पे चेक करके मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी, उसमें से आप एक चूज करना। एक क्यों? हम तीनों जगह चलेंगे। नानी चलिए अभी चेक करते हैं। पहले आप नाश्ता तो कर लो। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करती हूँ, आप भी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। ओके। अभिया का फोन है। हाँ अभिया बोलो। माँ, जीजाजी ने कैफे चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिला दिया। हाँ, विजय ने बताया मुझे। जीजाजी को मैं जितनी बार भी थैंक यू बोलूं कम है, आप तो जानती है हमें कितनी जरूरत थी इसकी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। कल रात रतन ने दीदी से बहुत उल्टी सीधी बातें की, मुझे बहुत बुरा लगा। दीदी और जीजाजी कितना कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, पर रतन फिर भी। अभिया तुम घर पे मुझे मिलने आना, फिर बैठकर बात करेंगे। ओके, अब मैं फोन रखूं? हाँ रखिए। बाय बेटी। नर्सिंग होम से फोन? ये अक्षय क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा? अब क्या है, फोन क्यों किया? मैं आपसे पहले भी कह चुकी। अरे बाप रे, कौन है वो बेचारा जिस पर इतना गुस्सा उतार रही हैं आप? विजया जी। विजया जी नहीं, सिर्फ विजया जी। सिर्फ विजया। अब कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिजी हैं? नहीं नहीं, बताइए। नर्सिंग होम आ जाइए, लंच हम एक साथ करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी गपशप और बहुत सारी गॉसिप। जी आज नहीं, फिर किसी रोज आ जाऊंगी। पर क्यों, अभी अभी आपने कहा कि आप बिजी नहीं हैं। जी इस वक्त बिजी नहीं हूँ, लेकिन बाद में। देखिए बात बात कुछ नहीं, मैंने सुबह ही डिसाइड किया था कि लंच हम एक साथ करेंगे, उस हिसाब से घर से खाना बना कर लाई, इसलिए आप 1 बजे तक पहुँच जाइए। मैं आपका वेट करूंगी, आएंगी ना? जी आ जाओ। ओके देन, सी यू सून, बाय बाय। विजया जी, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। हाउ स्वीट ऑफ यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज ले लीजिए, अगर आपको ये गिफ्ट पसंद आया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। थैंक यू। खोल कर देखो इसे। यस ऑफ कोर्स। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, कहाँ से खरीदा आपने? ये यही बैंड्रा से, ओनली वेमेन नाम की एक शॉप है, वहां से खरीदा। आपका घर भी बैंड्रा के आसपास ही कहीं है? घर तो नहीं कह सकते, घर तो घर वालों से बनता है ना। मैं तो किराए के मकान में रहती हूँ। ओके। वैसे आप रहने वाली कहाँ की है? आई मीन योर होम टाउन। आई एम सो सॉरी, मैं कंटिन्यूसली आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। आई एम सॉरी। नो दैट्स ओके। एक्चुअली मेरा जन्म दिल्ली में हुआ,
माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उसके बाद पढ़ाई के लिए पुणे आ गई, वहाँ हॉस्टल में रहती थी और अब यहाँ मुंबई में। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया आपने भी। हाँ, लेकिन मंजिल नहीं मिली अब तक। फिक्र मत कीजिए, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ से कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता, इसलिए आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। नहीं नानी, ऐसा नहीं। अरे डिस्टर्ब मत करो, ये देखो। नहीं नानी। ये ओ नो, अब मेरी बारी। ये नानी, अब फट गए, मैं जीत गई। तो आप तो एक्सपर्ट हो इस गेम में। मैं तो अभी सीख रही हूँ। जब आप छोटे थे तो आप भी तो खेलते होंगे ये गेम, फिर आप एक्सपर्ट क्यों नहीं हुए? हमारे जमाने में वीडियो गेम्स नहीं थे। नहीं थे तो फिर आप क्या खेलते थे? मैं खेलती थी कैरम, लूडो और सांप सीढ़ी। फिर तो दादी माँ भी यही खेलती होगी। नर्सिंग होम के रूल्स है ये। अरे रूल्स वूल्स कुछ नहीं है, पैसे का चक्कर ये सब। माँ बाप भाई बहन हर एक रिश्ते में एक ही सिक्का चलता है, रुपया। अब समझी ना तुम? कह दो उनसे अभी पैसे नहीं है, जब आएंगे तब डिपॉजिट दे देंगे। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा मुझे। तो क्या करूं मैं, डाका डालूं, चोरी करूं? रतन बेकार की बातें क्यों करते हो? ये बताओ कहीं से रुपयों का इंतजाम कर सकते हो या नहीं? चुटकी बजा के हो जाए। हाँ, मेरे पहचान वाले दौलत सेठ है ना, उनसे उधार मांगेंगे। थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, 24%। 24%? मेरे पास दूसरा एक रास्ता है। हाँ? तुम्हारे जेवर है ना, उन्हें बेच डालो। वो मैं नहीं बेच सकती। तो भीख मांगो तुम्हारे जीजा जी से, रैम खा के 2-4 सिक्के तो डाल देंगे झोली में। तुम हमेशा क्यों शहर उगलते उनके खिलाफ? क्यों दुख देते हो मुझे? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? पूरे समय में हमेशा उन्होंने हमारी मदद की है। अक्षय, मैं वो पूछने आई थी कि क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? पूरे चेहरे का रंग उतरा हुआ है। अक्षय, आपको कहीं फीवर तो नहीं है? मैं ठीक हूँ। अक्षय, आप मेरी बात कभी नहीं मानते ना। कौन सी बात? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इतना काम एक साथ मत किया कीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। तुम क्या पूछने आई थी मुझसे? मैं क्या पूछने आई थी? अरे हाँ, वो आपने कहा था ना कि सोच कर बताएंगे कि साइकेट्रिस्ट को अपॉइंट करना है या नहीं, सोचा आपने इस बारे में? तुम देखो, अगर तुम्हें जरूरी लगता है तो बुला लो। ठीक है, तो मैं अभी कॉल कर देती हूँ। इरफान, कहाँ हो तुम? आ गई मिस तूफान मेल। किचन में हूँ मैम साहब, आपके लिए कॉफी बना रहा हूँ। ओहो, हेलो मिस्टर बावर्ची। हेलो, कैसा रहा लंच? हाउ वाज इट? अरे बस पूछो मत, लंच तो मजेदार था ही, लेकिन लंच के बाद जो हुआ वो तो उससे भी ज्यादा मजेदार था। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? ये तो राज की बात है और राज की बात किसी को बताई नहीं जाती। Am I right? Absolutely. So, Mr. Bawarchi, जैसे ही आपकी ये कॉफी तैयार हो जाए मेरे कमरे में ले आना। ओके ओके मैम, बिल्कुल। आज ये मैडम फिर किसी का बैंड बजा के। उसके लिए तो आप ही सब कुछ हो ना, उसकी दोस्त भी, नानी भी और दादी भी। आज फोन आया था। किसका? उसकी दादी का। अच्छा, क्या कह रही थी? नीति से बात की, एग्जाम के बारे में पूछ रही थी। चलो हमसे ना सही, पर नीति से काफी लगाव हो गया उनको, हर बार फोन करके बात करती है। हाँ, लेकिन मेरे लिए मुसीबत हो जाती है ना। नीति इतने सवाल करती है उसके बाद, दादा और दादी जी घर पे क्यों नहीं आते, मम्मी मुझे उनके घर पे क्यों नहीं ले जाती,
बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए जवाब देना। माँ मैं अक्षय को राजी करूँगी कि हमारे बीच की ये जो दीवार है उसे ख़त्म करे और अपने मम्मा पापा को समझाए कि क्या क्या समझाएगा अक्षय उन्हें? भूल गई शादी के बाद जब तुम दोनों उनके घर गए थे कितनी बेइज्जती की थी उन्होंने तुम दोनों की? उसके बाद अक्षय का कभी दिल नहीं हुआ उनके पास जाने का। ये दीवार उन्होंने खड़ी की है और उन्हें ही तोड़नी पड़ेगी। ये डॉक्टर इरफान मलिक हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हाँ। हेलो मिस्टर सिन्हा। क्या प्रॉब्लम है, दरवाजा क्यों पीट रहे हो भाई? डॉक्टर सिन्हा, हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? वेल, अगले 2-3 दिन तो मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कॉल कर देता हूँ। इज दैट फाइन फॉर यू? जी चलेगा। ओके तो अब मुझे इजाजत है। पापा कहाँ है आप? बेटा मैं और आपकी मम्मी बस नर्सिंग होम से निकलने ही वाले हैं। आपको याद है आपने क्या प्रॉमिस किया था मुझे? प्रॉमिस क्या किया था मैंने? आप भूल गए ना? आपने मुझे ये प्रॉमिस किया था कि रिजल्ट आ जाने के बाद आप मुझे पियानो दिलाएंगे। हाँ याद आ गया, पर आपका रिजल्ट आने तो दो। रिजल्ट आ गया है पापा, मगर मैं क्लास में फर्स्ट नहीं सेकंड आई हूँ, इसलिए आप मुझे छोटा वाला जूनियर पियानो दिलाएंगे तो भी चलेगा। बेटा आप फर्स्ट नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप सेकंड आए हो, दैट्स आल्सो एन अचीवमेंट। Awesome news. आपको जैसा पियानो चाहिए, जितना बड़ा चाहिए, वैसा पियानो आपको मिलेगा। ओके? ओके। तो कब लाएंगे गिफ्ट? बस आप यूँ समझ लीजिए कि आपका गिफ्ट आप तक पहुँचने वाला है। बाय पापा। बाय बेटा। इस दुनिया में ना सिर्फ आपकी बेटी ही है जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकती। नीति नीति मैं आपको दिखाता हूँ उसको सेट कैसे करते हैं। पहले सेट। पापा मुझे पता है इसे कैसे प्ले करते हैं। हाँ पर उसको सेट तो करना पड़ेगा ना। पापा की हेल्प करो, चलो ये निकालो, ये ऐसे, ये और ये आया आपका पियानो और इस बॉक्स को आप इधर। ये सेट हो गया प्रिंसेस का मिनी पियानो। वाओ, इसके अंदर माइक भी है। अमेजिंग। तो यहाँ नाउ यू कैन सिंग आल्सो। अब इसको प्ले करना है। पापा मुझे पता है इसे कैसे प्ले करते हैं। अरे अच्छा ठीक है, प्ले करके देखो। अरे वाह, तुम्हें तो वाकई पता है। कितने खुश है ना तुम? तू रो क्यों रही है? आप भी तो रो रही है। तू बहुत खुशकिस्मत है बेटी, तुझे इंसान के रूप में फरिश्ता मिला है। हाँ माँ। अक्षय, नीति ना अभी तक पियानो बजा रही है। सोने का वक्त हो गया लेकिन सुनती नहीं है, आप जाके समझाइए ना उसे। विजया,
अगर हमारी बेटी पियानो बजाना चाहती है, she wants to play, then let her be. उसको enjoy करने दो. स्कूल जाने उसे अभी कल. वेकेशन शुरू नहीं हुई है उसकी. अगर हमारी प्रिंसेस एक दिन स्कूल नहीं जाएगी तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी. उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छा रिजल्ट आया है, उसको एंजॉय करने दो. ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें जैसे अभी नजर आ रहे हैं. थैंक्स. कैसी रिक्वेस्ट माँ? प्लीज आप दीदी से कहिए कि वो डिपॉजिट के पैसे बाद में ले लें, वरना रत्न इंटरेस्ट पे उधार लेने की बात कर रहा है. बेटे तुम तो जानती हो नर्सिंग होम के किसी भी मामले में मैं दखल नहीं देती, मुझे करना भी नहीं चाहिए. तुम एक काम करो ना, डायरेक्टली विजया से बात करो. माँ क्या कहूँ मैं उनसे, और अगर चीजा जी को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? बोलेंगे कि हमारे पास इतने रुपए भी नहीं कि हम डिपॉजिट दे सके. मुझे तो लगा था शायद हमारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन अब तो ठहरे एक मिनट. ये रख लो. बाप मेरे पास रुपए आते मैं आपका कर्ज लौटा दूंगी. पागल लड़की, माँ कभी बच्चों को कर्ज नहीं देती, आशीर्वाद देती है, उनकी खुशहाली के लिए दुआएं मांगती है.